इनके पिताजी एक्साइज डिपार्टमेंट में थे और फर्जीवाड़ा के वो माहिर थे। उन्होंने एक, मैंने आपको कागज शेयर किया है, कागज शेयर किया है जो मुझे एक्साइज डिपार्टमेंट ने पूरा कागज दिया है। एक होटल सदगुरु वाशी, इसके नाम से एक परमिट शराब खाने का इशू किया गया। जो परमिट इशू किया गया वो समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से इशू हुआ। वो परमिट लगातार 1997 से लेके लगातार पैसे समीर ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से रिन्यू होता रहा और आखिरी रिन्यूअल भी हुआ है। उसके भी 4,40,000, उसके भी पैसे भरे गए हैं 3,17,650 रुपए। उसके बाद जो आखिरी रिन्यूअल हुआ है वो 2022 तक भी पैसे भर के रिन्यू करने का काम किया गया। कहने का अर्थ यह है कि जब समीर दाऊद वानखेड़े, जिसकी उम्र उस समय 17 साल 10 महीने 19 दिन थे, बाप विभाग में काम करता था और एक माइनर को लाइसेंस इशू करवाने का काम किया, ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। 18 साल से कम की उम्र में कोई लाइसेंस दिया नहीं जा सकता। माइनर को लाइसेंस दिया गया और माइनर के नाम पे सदगुरु बार एंड रेस्टो आज भी वाशी में चल रहा है। 97 से लेके आज लगभग 26 साल 25 साल होने आ रहे हैं, 24-25 साल। कोई साल ऐसा नहीं कि वो लाइसेंस सस्पेंड हुआ हो, कोई समय ऐसा नहीं कि वो बिजनेस कंडक्ट नहीं होता हो, और उन्होंने फर्जीवाड़ा करके लाइसेंस बनाया। आज तक वो शराब खाना समीर ज्ञानदेव वानखेड़े उर्फ समीर दाऊद वानखेड़े के नाम से चल रहा है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।